दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जहां प्रदूषण से फैली स्मॉग में कमी आई, तो वहीं ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बता दें कि गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 428 रहा। हालांकि शासन और प्रशासन लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। आज हो रही इस बारिश से जो एक धुंध का साया पूरे शहर पर मंडरा रहा था, इसलिए उसमें कमी आना लाजमी है। वहीं अगर बात यूपी के मुरादाबाद देहात की करें, तो यहां पर भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। वहीं इस बूंदाबांदी ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। सरब जी बताइए, जिस तरह से रोजेदारों को तपती गर्मी में रोजे रखने पड़ लेते हैं, उसको लेके कितनी परेशानी हो रही थी, और जो आज मौसम ने करवट बदली है, जो मौसम खुशगवार हुआ है, बूंदाबांदी हुई है, इससे रोजेदारों को और आम लोगों को किस तरह की राहत मिली गर्मी से? बहुत राहत मिली, ठंडी हवा चलने से बूंदाबांदी हुई, गर्मी से बहुत बड़ी परेशानी है। रोजेदारों की किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गर्मी में? खुश्की होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और भी बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी तो गर्मी है। क्या शारीरिक दिक्कत क्या क्या होती है? क्या खुजली या कुछ कम हो जाता है? खुजली पैदा होती है, खुश्की हो जाती है ना। तो आज जो बारिश हुई है, इससे क्या रोजेदारों को और आम नागरिक बहुत बड़ी राहत मिली? आज जो मौसम में करवट बदली है और जो भीषण गर्मी में रात है, बूंदाबांदी हुई है, इसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हम लोग तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज दौर करोड़ रोजगार और हैं, जो ज़्यादा मद्राज के लोग हैं, जो बच्चे लोग रोजगार रख रहे हैं, उसके लिए ये मौसम बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। कैसा महसूस कर रहे हैं रोजगार जो बूंदाबांदी हुई है, इससे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुकून है। हम चाहते हैं कि बहुत ही ऐसे ही मौसम है, और 18-19 बज रहे हैं। क्या गर्मी से दुकानदारी पे भी फ़र्क पड़ रहा था? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा मौसम के चेंज होने से काफ़ी। अब क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? मौसम ठंडा हुआ है, मौसम अच्छा मौसम है, तो घर से बाहर निकल रहे, दुकानदारी बढ़ी है।